प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुकैया तारिक के संग के साथ रुकैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सनत सवाल जवाब। बच्चों शायरी में जब शायर अपने शायरी लिख रहा होता है, अपना कलाम लिख रहा होता है, और उसमें कोई ऐसी बात होती है जिसमें वो क़ारी को सवाल कर रहा होता है और उसके साथ साथ उसका जवाब भी दे रहा होता है, या सवाल कर रहा होता है और पढ़ने वाले को उसका जवाब आता है। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि ये सवाल कर रहा है, इसका जवाब ये है, हमें पता होता है, तो इसको हम कहते हैं सनत सवाल व जवाब। अब इसको आप समझने के लिए मुसद्दस हाल ही का एक बंद है, वो सब अगर आप समझ लेते हैं तो आप पर वाज़े हो जाएगा कि शेर में सवाल भी किया गया है और जवाब भी दिया गया है, ये सनत सवाल व जवाब कहलाएगा। जैसे रहोगे यूं ही फारिगुल बाल कब तक, ना बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक, रहेगी नई पौध पामाल कब तक, ना छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक, बस अगले फसाने फरामोश कर दो, तासुब के शोलों को खामोश कर दो। देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, रहोगे यूं ही फारिगुल बाल कब तक तुम बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते रहोगे, मुसलमान कौम को मुखातिब होकर हाली ने कहा। ना बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक वही पुरानी चाल और ढाल रहेगी, नई टेक्नोलॉजीज़ को क्यों नहीं अपनाओगे, जो जो नई नई इजादात हो रही हैं उसको क्यों नहीं अपना रहे हो। एक तो हर चीज़ को उस वक्त के लोग बोला करते, अरे ये नहीं, यही ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो, ये नहीं पढ़ो, ये शिर्क हो जाएगा, ये बिदत हो जाएगी, इस तरह की बातें कर वो नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई जो इजादात हो रही थी उनको नहीं अपना रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, जदीद तालीम को हासिल नहीं कर रहे थे। फिर रहेगी नई पौध पामाल कब तक, वहाँ उस वक्त के जो बुज़ुर्ग हजरात थे जो अपनी नई नस्ल को जदीद तालीम नहीं दिलवा रहे थे, तो उनको मुखातिब करते हुए हाली ने कहा कि हमारी ये जो नई पौध है, ये नौजवान है, ये न्यू जनरेशन है, ये कब तक पामाल होते रहेंगे। जाहिर है उस वक्त के लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि मिशनरी स्कूल क़ायम हो चुके थे तो वहाँ मिशनरी स्कूल्स में नहीं भेज रहे थे, अंग्रेज़ी तालीम जहाँ दी जा रही थी वहाँ नहीं भेज रहे थे। उनका ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये ख्याल था कि हमारे बच्चे अगर इन अंग्रेज़ी स्कूलों में जाएंगे तो वो मज़हब से बेगाना हो जाएंगे, मज़हब से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नई जनरेशन को, हमारे नौजवान नस्ल को वहाँ नहीं भेज रहे थे, तो नई पौध पामाल हो रही थी। अब जाहिर है अगर आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है तो आपको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब तो नहीं मिलेगी, या आपको किसी अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो आपको कोई पुल बनाने के लिए तो नहीं देगा। तो इस तरह जो हमारी नौजवान नस्ल थी वो पस्ती का शिकार होती चली जा रही थी, तो इसी तरह वो उस वक्त के लोगों को मुखातिब करके कहा उन्होंने कि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है ये कब तक पामाल होती रहेगी, कब तक ये पस्ती की तरफ गामजन होती रहेगी, ना छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक। भेड़िया चाल क्या होता है, आपने कभी रेवड़ देखा है, आगे आगे एक भेड़िया होता है, उसी की नकल में दूसरे जानवर गाय भैंसे बकरियाँ सब उसके पीछे पीछे चल रही होती हैं बग़ैर सोचे समझे। तो यही कुछ हो रहा था, एक किसी मौलवी ने कहा ये है तो सब के सब उसी के ऊपर चल पड़े, किसी ने कहा ये चीज़ गलत है तो वो काम नहीं कर रहे हैं, खुद अपने आप से नहीं सोच रहे कि हमारे कुरान ने हमें क्या तालीम दी, इसी कुरान के बलबूते पर हमने इतनी तरक्की की मेराज हासिल की, उस चीज़ को हमने समझना छोड़ दिया था, सिर्फ हम हिफ्ज़ कर रहे थे मगर हम उस चीज़ को, कुरान को समझ नहीं रहे थे।
ठीक है। तो यही बात हाल ही ने हमें हमारी मुसलमान कौम को समझाने की कोशिश की और फिर आखिर में उसका जवाब भी दिया। हम जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, सुन्नी शिया वहाबी, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में हम बढ़ चुके हैं, इससे मुसलमान कौम उभर कर नहीं आ रही है, तरक्की नहीं कर पा रही है। आपस में इत्तेहाद पैदा करें, तासुब के शोलों को पसदे फसादे फरामोश कर दो। पहले जो कुछ हुआ है वो उसको आप भूल जाइए, अब तासुब के शोलों को खामोश कर दो, ख़त्म कर दो, आपस में इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहिए। देखिए यहाँ सवाल किया, यहाँ जवाब भी उन्होंने दे दिया, तो ये कहलाएगा सनत सवाल जवाब। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको सनत सवाल जवाब क्या होता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वतन के और बच्चों का भी फ़ायदा हो। रुकैया तारिक को इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।